हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और देवीनाथ किचन में आपका बहुत स्वागत है। तो अब तो आने वाली है संक्रांति और गुजरात में उसे उत्तरायण भी कहते हैं। सब जगह संक्रांति पे तिल से कुछ ना कुछ बनाया जाता है, तो चलिए हम लोग भी बनाते हैं आज। तो यहाँ पे मैंने एक कप तिल लिया हुआ है, वाइट तिल है ये, और उसी कप से माप के ये गुड़ लिया है। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है जिससे हमारा टाइम कम कंज्यूम हो। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली हुई है, ये रोस्टेड मूंगफली है। इसको मैंने थोड़ा सा खलबत्ते में कूट लिया है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालिए, और अगर आपको नहीं पसंद आता है तो मत डालिए। पर अगर तिल के साथ में मूंगफली का कॉम्बिनेशन लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है और अब हम इस पर है ना अपना तिल डाल देंगे और तिल को हम लोग रोस्ट कर लेंगे। तो इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक ये चटकने ना लगे, इसमें से अच्छी सी भुनने वाली खुशबू ना आने लगे। तो कम से कम इसे 3 से 4 मिनट लगेंगे रोस्ट होने में। तो हम लोग इसे आराम से अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। और इसे रोस्ट करने में कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा और हाई फ्लेम पे छोड़ भी मत दीजिएगा, नहीं तो तिल अगर नीचे से थोड़ी भी डार्क हो गई ना तो वो कड़वी लगने लगेगी। और अगर जल्दबाजी में हमने इसे बंद कर दिया कि नहीं हो गया है ऐसा सोच के, तो फिर ये तिल जो है ना वो फिर कच्ची भी लगती हैं। इसलिए ये देखिए फ्रेंड्स, 3 मिनट हो गए हैं और आपको आवाज़ आ रही होगी, तिल जो है वो फूटने लगी है। और तिल में से बहुत अच्छी सी सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगी है। तिल हमारी एकदम अच्छे से भुन चुकी है। तो चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इस पे मैं 1 चम्मच जो है वो घी डालूँगी। ये मेरे घर का बना हुआ घी है। और हम लोग इस पे जो हमने ये गुड़ लिया है ना एक कटोरी, तो ये डाल देते हैं। अब इसे हम लोग मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ हमारा जो है वो बहुत अच्छे से धीरे धीरे से मेल्ट हो रहा है। अगर आप गुड़ की जो चाशनी बना रहे हैं ना, इसको बहुत ज़्यादा देर तक आपने बहुत डार्क कलर होने तक अगर इसको आपने पका लिया, तो ये फिर ये चिक्की जो बनाते हैं हम लोग मूंगफली की, वैसा बन जाएगा, एकदम कड़क और क्रिस्पी बनेगा। लेकिन जैसे ही इसमें ऊपर पूरी मेल्ट होने के बाद झाग आने लग जाएगी, हल्का सा एक शाइन आ जाएगा ऊपर, और हम लोग पानी में डाल के इसको चेक करेंगे कि अगर ये जमने वाली उसमें आ गया पोजीशन पे, तो हमें इसे तुरंत ही ऑफ कर देना है गैस के फ्लेम को, नहीं तो क्या होगा, लड्डू हमारे बहुत हार्ड हो जाएंगे। तो अभी नहीं हुआ है, अभी तो गुड़ सारी मेल्ट हुई है। अब इस पर आप देखिएगा कि एक अच्छा सा शाइन आ जाएगा। अच्छा सा झाग आने लगा है, तो मैं इसमें से थोड़ा सा लेके, और देखिए ये मैंने बाउल में पानी लिया हुआ है, इस पर टपकाती हूँ और मैं इसको हाथ से बांध के देखूँगी कि ये बंध रहा है या नहीं। तो आप देखिए ये बहुत अच्छे से बंध जा रहा है। तो बस हम इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल ऑफ कर देंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छे से गोल बन गया है, नहीं तो ये बंधता नहीं। तो बस हम यहाँ पे इसको ऑफ कर देंगे और हम जल्दी से इस पे तिल मिला देते हैं। मूंगफली मिला देते हैं और सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ा सा बस आधे मिनट के लिए इसे आप अभी ऐसे ही थोड़ा सा चलाते रहिए, हल्का सा टेम्परेचर जो है उसका डाउन होगा और उसके बाद हम लोग इसे बनाते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने तिल के लड्डू बनाने के लिए ना एक ये कुकी कटर लिया हुआ है। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा पहले ये तिल डाल देंगे इसमें और इसे प्रेस कर देंगे। इससे दो फायदे होंगे, हमको एक नया शेप भी मिल जाएगा लड्डुओं का, और दूसरा क्या होगा कि हमारे हाथ भी नहीं जलेंगे, क्योंकि तिल के लड्डू बनाते वक्त तो हाथ बहुत जलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इसमें काजू भी लगा देती हूँ जो देखने में अच्छा लगेगा। इस तरीके से हम इसे प्रेस कर देंगे। और इसे बहुत ही केयरफुली जो है वो निकाल लेते हैं। ये देखिए हमें हार्ट शेप का आकार मिल गया है इसमें, बहुत सुंदर सा। तो इसे हम साइड में रखते हैं और हम दूसरा बनाते हैं। तो एक बार फिर से इसमें जो है यहाँ पे साइड्स में थोड़ा थोड़ा घी लगा लेते हैं जिससे तिल चिपके ना, और थोड़ी तेल डालते हैं इसमें। ये देखिए अब हम इसे बहुत केयरफुली निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सा शेप हमारा बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम अपने बाकी जो है तिल, बची हुई तिल है वो भी बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तिल के जो लड्डू है, लड्डू नहीं मतलब है तो लड्डू, पर हम इसे डिफरेंट शेप में बनाया है हमने, तो ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ भी अलग करो तो चीज़ हमारी बिल्कुल नई लगने लग जाती है। तो देखिए हमारा शेप कितना अच्छा आया है और ये कितने अच्छे बने, और ये बहुत सॉफ्ट हैं। ये देखिए बहुत इजीली ये ब्रेक हो जा रहे हैं और दिखने में भी कितने सुंदर हैं, खाने में भी बहुत लाजवाब हैं। तो एक बार इसे बना के ज़रूर देखिएगा इस संक्रांति में, और ट्राई कीजिएगा कुछ डिफरेंट शेप में बनाने का, तो और भी मज़ा आएगा बनाने में और खाने में भी। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर किया कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और जो बाजू में बेल आइकन होती है उसे भी दबाइए और ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे मेरे चैनल पे आने वाली सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।